सरकार से मेरी यही अपील है कि जल्द से जल्द गुरुजी को रिहा किया जाए और उनके बच्चों के बीच भेजा जाए ताकि वो मानवता भलाई के कार्य और बढ़ चढ़ के और लोगों को अच्छी शिक्षा दें। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़े और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम नईम सिंह जी इंसा के बारे में आखिर क्या मानना है लोगों का, जानते हैं लोगों से। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा वीना ईसा। मैम डेरे से जुड़े हो? हाँ जी। कब से जुड़े हो? मेरे को 26 साल हो गए हैं। मैम डेरे से आपको जुड़े हुए 26 साल हो गए, कैसा माहौल देखा है फिर गुरु जी के? मैंने तो यहाँ पे डेरे में बहुत ही बढ़िया माहौल देखा है। मतलब कि जो लोग कुछ कुछ कहते हैं ना, तो अगर वो, मेरी तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आकर देखें भी यहाँ पे सिखाया क्या जाता है। गुरुजी इतना कुछ सिखाते हैं भी, लोगों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, भलाई के काम सिखाते हैं। जैसे मानवता भलाई के 134 कार्य चलते हैं और उसमें लोग ब्लड देते हैं, गरीब बच्चियों की शादियां करते हैं, विधवा विवाह करवाए जाते हैं और ऐसे अनेकों ही काम किए जाते हैं जो कि लोगों को देखेंगे तो पता लगेगा। और कोरोना के टाइम में भी देखो, लोगों ने ब्लड, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे तो डेरा सच्चा सौदा के नाइयों ने जब भी ब्लड की लोड़ पड़ी, खून ऐसे पानी की तरह ही दे दिया जितना भी लोड़ पड़ा। अब भी प्रेरणा से संत गुरमीत राम डॉक्टर राम रहीम सिंह जी इंसा की। मैम आप लोग सुरक्षित हो डेरे के अंदर? बिल्कुल। मैम गुरुजी पे जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो आखिर क्यों लगाए गए? वो बस लोगों की सोच है, गलत सोच है जो उन्होंने गलत पिताजी पे लगवाए हैं ना, गुरुजी पे ब्लेम। ये बहुत ही गलत बात है उनके लिए, क्योंकि गुरुजी एक वो, क्योंकि वो चाहते हैं मानवता की भलाई के कार्य करते हैं और भलाई की तरफ जो चलते हैं उनके उल्ट मनमुख जो गैर सत्संगी लोग हैं या जो जिनके कारोबार बंद हो गए हैं वो जरूर मतलब कि उनके बारे गलत बोलते हैं। पर मेरी उनसे हाथ जोड़ कर बेनती है की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब से गुरुजी गए हैं जब से कितनी बुराइयां बढ़ गई, कितने मतलब कि पाप बढ़ गए, बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गए। जबकि जब गुरुजी यहां थे तो इतना ज़्यादा यूथ जुड़ चुका था कि कहने से और सुनने से परे था, और जो इनको गुरुजी जोड़ कर गए हैं ना यूथ को, वो यूथ इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैम सरकार से क्या अपील करना है? सरकार से मेरी यही अपील है कि जल्द से जल्द गुरुजी को रिहा किया जाए और उनके बच्चों के बीच भेजा जाए ताकि वो मानवता भलाई के कार्य और बढ़ चढ़ के और लोगों को अच्छी शिक्षा दें, नामदान दें, गुरुमंत्र दें, जिससे मतलब लोग जो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा कि हर एक महिला आके यही कहती है कि मीडिया चैनलों पर जो भी दिखाया गया सरासर गलत था, हम यहाँ आते थे किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं हुई हमारे साथ, ना ही गुरुजी के यहाँ पर डेरे के अंदर सेफ्टी जो है वो लेवल उस लेवल की है, तो शायद वो बाहर इतनी जो भी सेफ्टी आज आप देख रहे हो, अत्याचार बढ़ रहे हैं कितने, मगर डेरे से जो रिलेटेड जो भी लड़कियां आती हैं वो यही क्यों कहती हैं कि डेरा सच्चा सौदा बिल्कुल सेफ है। इतना बड़ा बयान आना एक संत की तरफ से, एक शख्स की तरफ से, बहुत बड़ी बात है। इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है, एक संत पे फिर से एलिगेशंस लगाए गए हैं। फैसला आपने करना है कि लोगों का साथ देना है या उस संत का जो समाज का को बदलने का पीड़ा उठाया हुआ है और एक बार फिर से हमने इतिहास को बदलने का जो इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को, उसे फिर से रोकना है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।